भारत माता की, भारत माता की। गुरु विश्वामित्र और मां गंगा की पावन धरती बक्सर पर हम अपने सब परिवार के लोगों के प्रणाम करता ने बक्सर के हमारे परिवार के ही जोश हमार उत्साह बढ़ा दे दो। साथियों, आज छठे चरण का मतदान भी तेज गति से लोग लोकतंत्र का उत्सव मना रहे हैं और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत कर रहे हैं। और आज जो मतदान हो रहा है, इंडी गठबंधन के गुब्बारे की सारी हवा निकल चुकी है। भाई ये जरा एसपीजी वाले बेटी बढ़िया फोटो बना के लाई है, छोटी सी गुड़िया, कब से उसके हाथ दुखते होंगे, ऐसे ही हाथ खड़े कर रहे कैसी। अरे भाई आप मत लीजिए, उस बच्ची को दीजिए। अब तक आपको मैनेजरी करने का मन नहीं कर गया, वो बच्ची बेचारी घंटे भर से हाथ ऐसे करके खड़ी है। जरा एसपीजी के लोग जाकर के ले लें उनसे। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तुम्हारा नाम पता लिखा है ना उसमें तुम्हारा नाम पता है, मेरी चिट्ठी आएगी। साथियों, जो पांच चरण का मतदान पूरा हुआ है और आज जो छठे चरण में चीजें नजर आ रही है, उसमें साफ दिखता है कि अब सारे शहजादों का शतर गिरने वाला है। दे दीजिए भाई, उनको दे दीजिए, जो बच्चों के पास तस्वीरें हैं दे दीजिए। बिहार के शहजादे अब आराम से जमानत अमानत उसका काम देखेंगे। कांग्रेस के शहजादे ने भी छुट्टियों की तैयारी शुरू कर दी है और एक यूपी के शहजादे भी हैं आपके बगल में। यूपी के शहजादे के तो शायद सदमा लग गया होगा और कल कह रहे थे कि बनारस में मोदी चुनाव हारने वाला है। अरे आप हंस क्यों रहे हो भाई, ये वो बोल रहे थे। इतना ही नहीं, वो इन्होंने ये भी कह दिया कि यूपी में 80 की 80 सीटें इंडी गठबंधन जीत रहा है और जो सुन रहे हैं उनकी पार्टी के लोग वो भी हंस रहे थे। भाई मैं तो ये बता रहा था कि यूपी के शहजादे अब भाषण में ये मुद्दे बोल रहे हैं। अब पता नहीं
बार बार साइकिल पंक्चर होने का सदमा है या कांग्रेस वाले शहजादे की संगत का असर है? ऐसी संगत से बचकर रहना चाहिए। ২০২৪ के लोकसभा के चुनाव में वैसे ही इनकी गपोड़बाजी खुल जाने वाली है जैसी 22 के असेंबली के चुनाव में हुआ था। बाकी अब ये पक्का हो चुका है, फिर एक बार 4 जून देखिए, 4 जून को मनेर के लड्डू बटेंगे। हम ठीक कहता नहीं ना साथियों? बक्सर की ये धरती ये प्रभु श्री राम की गुरु भूमि है। आसुरी ताकतें जब यहां आतंक फैला रही थी तब प्रभु राम यज्ञ रक्षा के लिए विश्वामित्र जी के आश्रम आए थे। साथियों आज एक बार फिर विकसित भारत का महायज्ञ चल रहा है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, मैदान छोटा पड़ गया है, वहां बहुत लोग धूप में तप रहे हैं, वो धूप में भी इतने धैर्य के साथ सुन रहे हैं। मैं तो उनकी तपस्या को प्रणाम करता हूं कि इतने धूप में वो खड़े हैं, लेकिन यहां वाले वे आगे आने की कोशिश करते हैं। अब मैदान में आगे आने की जगह नहीं भाई, जहां हो वहां रहो। अब मैं आपके पास आया हूं ना, इससे क्या है? आपका प्यार मुझे खींच के लाया है जी। आप कृपा करके आगे आने की कोशिश मत करो दोस्तों। और आपका जो जोश है ना, 1 तारीख को भी जरूरत पड़ेगी और 4 को भी जरूरत पड़ेगी। बोले जय श्री राम। और साथियों प्रभु राम जब आए, यज्ञ हुए और आप देख रहे हैं वो कौन सी ताकत है जो राष्ट्र यज्ञ में बाधा डाल रही है। बक्सर के लोग जान रहे हैं ना, भारत एकजुट होकर विकास की बात करता है, लेकिन कौन विकसित भारत के संकल्प का मजाक उड़ाता है? भारत का दुनिया में सम्मान होता है, लेकिन कौन लोग हैं जो विदेशों में जाकर भारत को गाली देते हैं? भाइयों बहनों, 500 साल बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना। आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? कितनी पीढ़ियों की साधना, कितनी पीढ़ियों का इंतजार, कितनी पीढ़ियों का बलिदान, 500 साल बाद आप सबका एक सपना पूरा हुआ है।